मेरे को मूवी बहुत बढ़िया लगी, स्टोरी बहुत बढ़िया थी, ऐसा यूनिक कुछ दिखाया था। सुशांत का फन, जो सुशांत ने फनी टाइप कुछ किया था वो बहुत बढ़िया लगा, एज अ पूरी मूवी में उसने फनी टाइप सब बढ़िया किया, रोमांस बढ़िया था, और उसमें कुछ हटके जो वॉरियर टाइप दिखाया था वो बहुत अच्छा था। दोनों की केमिस्ट्री मतलब लग रहा था कि हाँ कुछ रियल है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी उन दोनों की। म्यूजिक बहुत अच्छा था, कुछ पुराने सॉन्ग्स जो नए वर्जन में आए बढ़िया थे। सुशांत का काम कैसा लगा? सुशांत का काम बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और कृति के साथ केमिस्ट्री? कृति के साथ लाइक लग रहा था कुछ रियल है, बहुत बढ़िया था। पांच में से कितने स्टार? आप पांच में से मैं 3 स्टार दूंगा। ओके थैंक यू। मूवी नॉट गुड, मजा नहीं है, बेकार है, बेकार है, बहुत बेकार, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट। एक्टिंग तो उनका मतलब ओके ही है, जोड़ी उनका अच्छा है वैसे, केमिस्ट्री अच्छी लगी, बाकी मूवी तो इतनी खास नहीं लगी। म्यूजिक क्या था उसमें? म्यूजिक गाना तो वही पुराना था ना, अपना तू मेरी गर्लफ्रेंड वाला गाना वो पुराना ही है, वही है, ज्यादा कुछ म्यूजिक का भी इतना कुछ, म्यूजिक का ऐसा कुछ खास नहीं है। फर्स्ट हाफ तो पूरा बोरिंग ही है, सेकंड हाफ में ऐसा कुछ सस्पेंस भी नहीं जो कि पब्लिक एक्सपेक्ट करे कि हाँ सेकंड हाफ बैठा जाए इंटरवल के बाद कुछ देख सकते हैं, वैसा भी कुछ नहीं था उसमें। वन भी नहीं, मेरे हिसाब से वन भी नहीं है। ऐसी मूवी तो बैन कर देनी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए ऐसी, इतनी घटिया है। पब्लिक कोई मतलब टेंशन फ्री होने के लिए आता है, लेकिन ये उससे भी बेकार है। मतलब सुशांत सिंह राजपूत ऐसा मूवी बनाएगा सोचा ही नहीं था कभी, उससे ऐसा इस तरह का एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने। हाँ बहुत बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छी थी, 3.5/5। हाँ दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हैं, मतलब और ज़्यादा मूवीज में होना चाहिए। हाँ सारे सॉन्ग अच्छे थे, 3.5। अच्छी नहीं लगी, अच्छी नहीं थी पिक्चर। नहीं सुशांत ही अच्छा है, बट कोई स्टोरी ही नहीं है पिक्चर में, ना कोई स्टोरी है, ना गाने अच्छे हैं, ना पिक्चर का स्टार्टिंग अच्छा है, ना एंड अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं, बहुत बोरिंग पिक्चर है। हाँ बेकार केमिस्ट्री भी कुछ ऐसी कोई खास नहीं है, म्यूजिक भी नहीं है, 1 स्टार। हाँ और पैसे बचाओ, कुछ जाके खा पी लो, ये मूवी देखने से अच्छा है या फिर घर पे बैठो। परफॉर्मेंस तो ओके था, परफॉर्मेंस इतना ख़राब नहीं था, बट स्टोरी और डायरेक्शन इज पैथेटिक और गाने अच्छे। पैसे मतलब फुल लुटा हुआ वेस्ट है। कितने से दिया सबको? 0.5 गानों के लिए। मूवी तो अच्छी थी यार, मूवी में मुझे गाने अच्छे लगे, स्टोरीज अच्छे लगे, कुछ अलग टाइप के मतलब कुछ नया स्टोरी लगे मुझे, विलन भी मतलब कुछ अच्छा लगा, मतलब कुछ साइको भी था, और दोनों हीरो जो थे अच्छे थे मुझे, दोनों की अच्छी मैच थी, मतलब दीपिका पांडू का डांस भी अच्छा लगा, मतलब लास्ट में आया। स्टार तो मैं 4 दे रहा हूँ, मुझे गाने भी अच्छे लगे, गाने के लिए मैं 5 स्टार दूंगा, इसलिए गाने अच्छे लगे। एवरेजेबल लगी मूवी मुझे, केमिस्ट्री कीर्ति और सुशांत की अच्छी केमिस्ट्री है, और नेगेटिव कैरेक्टर जो बंदा कर रहा है शायन भी, उसकी भी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी है। स्टोरी तो एक सिक्वेंस से मिस्ट्री थी, हिस्टोरिकल टाइप था थोड़ा, पास को लेके प्रेजेंट में एंड प्रेजेंट पास को दोनों कम्बाइन करके इसको बनाई गई है। स्टोरी में ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो होनी चाहिए थी ना, सस्पेंसिंग ऐसा कुछ नहीं था, बस उसको रिवाइंड करते हुए फॉरवर्ड रिवाइंड करके इसको बनाया और कराया, वही चीज़ रिपीट करी इन्होंने। म्यूजिक अच्छा है इसमें, सॉन्ग अच्छा दिया है सिंग अपने सचिन सिंगर ने दिया है सॉन्ग्स में, बहुत अच्छा म्यूजिक लगा मुझे। मैं तेरा बॉयफ्रेंड और एक सॉन्ग और है दीपिका पादुकोण का कैमियो है, उसका भी बहुत अच्छा कैमियो है, इसका टू गुड है वो तो है, उसके लिए तो कोई बात नहीं है कहने के लिए। या मैं कहूँगा एक बार जरूर देखे जाके, उसमें सब लोग जाए, फ्रेंड्स सारे लोग जाए देखने, ये भी मेरा फ्रेंड ही है।